सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। कोरोना काल में अस्थायी रूप से राशन देने के लिए सरकार द्वारा चयनित किए गए लोग अब सैकड़ों की संख्या में लाइनों में लगकर राशन लेते हुए शहर में नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि सुबह 6 बजे से ही राशन की दुकानों पर लोग पहुंच जाते हैं और दोपहर तक चिलचिलाती धूप में राशन लेकर घर जाते हैं। नलियाबास स्थित डीलर पेमाराम सैनी अनेक वार्डो के लिए राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। जब सैकड़ों लोगों की भीड़ राशन लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, तभी आरोग्य सेतु ऐप के इंडिकेशन से यहां पर अफरा तफरी मच गई और राशन वितरण का काम भी बाधित हुआ। डीलर ने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप में 500 मीटर के दायरे में कोरोना संक्रमित व्यक्ति होने का इंडिकेशन मिला, जिस पर राशन वितरण के कार्य को रोका गया और दुकानदार खुद अपनी स्वास्थ्य जाँच अस्पताल जाकर करवा के आए। इसी प्रकार शहर की अन्य उचित मूल्य की दुकानों पर भी लोग राशन के लिए घंटों तक लाइनों में लगे हुए चुनिंदा दुकानों पर नजर आए। प्रवासियों और अस्थायी रूप से राशन के लिए चयनित व्यक्तियों को राशन वितरण किया जा रहा है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में कहीं इस कोरोना काल में सपना बनकर रह गई है। लोगों का साफ कहना है कि अगर प्रत्येक वार्ड के राशन डीलर को अपने अपने वार्ड के लोगों को राशन वितरण का कार्य दिया जाता तो जनता को घंटों तक तेज तपती धूप में परेशान नहीं होना पड़ता। वहीं राशन वितरण संघ के अध्यक्ष पेमाराम सैनी ने बताया कि उन्होंने डीएसओ से भी प्रत्येक वार्ड में राशन वितरण की व्यवस्था करवाने के लिए कहा था। आपको बता दें चुनिंदा डीलर्स को 5 वार्डों का जोन बनाकर राशन वितरण का कार्य दिए जाने से सैकड़ों लोगों की भीड़ उचित मूल्य की चुनिंदा दुकानों पर नजर आ रही है। लोगों की शासन प्रशासन से मांग है कि प्रत्येक वार्ड में ही वार्ड के लोगों के लिए राशन की व्यवस्था सही तरीके से प्रशासन को करवानी चाहिए। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। वार्ड नंबर 33 का निवासी हूं और सुबह 6:30 बजे से यहां लाइन में लगा हुआ हूं। यदि यह राशन वितरण प्रणाली जो है वो यदि हमारे वार्ड में ही यदि कर देते तो ये समस्या अभी तक देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अभी लगभग 2 बज गए हैं और हमारे को अभी तक राशन नहीं मिला है। इस समस्या के लिए मतलब प्रशासन जिम्मेदार है और इस कोरोना के इस अवसर पर मतलब बहुत ही दुखद बात है। धूप में है ना, औरतें भी बहुत खड़ी है और जो बच्चों को अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो आई है और यहाँ पर भूखे पाशे खड़े हैं, जबकि ये वार्ड के अंदर यदि ऐसा कर देते तो ये ऐसी परेशानी हमें देखने को नहीं मिलती। आए हुए हैं अगर यहाँ के वार्ड वाले सदस्य अलग अलग लाइन लगा देते अलग अलग वार्ड में तो ये समस्या नहीं होती, क्योंकि सभी से अपने घर बार को काम छोड़ते सभी मिला यहाँ पे आए हुए सुबह 7 बजे से, सभी परेशान है और सबको क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे, दे नहीं रहे, माथा दे के टिक्का काट रहे। यूनियन अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पुलिस वाले यहाँ आए थे आकर के वो चले गए। अब हम प्रशासन और उपभोक्ताओं के हित के लिए इस गर्मी के अंदर में सारी व्यवस्था कर रखी है, पानी की, टेंट की, लेकिन ये लोग उपभोक्ता अपने आप डिस्टेंस नहीं बना रहे, हाथ जोड़ के कह दिया, सभी तरह से समझा दिया, समझ नहीं रहे। मैं गेहूँ धड़े के लिए इनके लिए सुबह से शाम 5 बजे तक तत्पर हूँ, लेकिन ये समझ नहीं रहे कौन सी ये तो डीएसओ ऑफिस से जो 5 वार्ड जो ये अलॉट किए हैं वो तो उनकी समस्या, मेरी नहीं है, आपकी समस्या नहीं है। मैंने सुनो, मैंने डीएसओ साहब को कल कहा था कि वार्ड वाइज कर दो, वार्ड वाइज करने से समस्या नहीं होती। मैं खुद मानता हूँ ये वार्ड वाइज होने से कोई समस्या नहीं आती, लेकिन ये 5-5 का जोन बनाने के कारण ये थोड़ी समस्या होती है।